गुड मॉर्निंग और शुभ सप्तमी टू ऑल बंगालीज एंड माय फ्रेंड्स। आज हम लोग दुबई में पूजा का तो कोई हम लोगों को मतलब एटमॉस्फेयर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जस्ट सुबह हम लोग ने आज स्टार्ट किया क्योंकि आज संडे है, छुट्टी है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर ब्रेकफास्ट खाने। और तो अभी हम लोग अपनी तरह से आज का दिन बिताएंगे और शाम को एक और जगह जाएंगे हम लोग मंदिर में, तो मैं वहाँ पे भी आप लोगों को दिखाऊंगी, शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डे। एक्चुअली दुबई में तो ये सब दुर्गा पूजा हो या कुछ भी इंडियन हॉलीडेज तो इतना नहीं होता है, तो अभी हम लोग निकल पड़े हैं। जस्ट संडे है क्योंकि आज, तो हम लोग निकल पड़े हैं कि चलिए कहीं के पे घूम के आते या फिर खा के आते, फिर शाम को देखेंगे क्या किया जाए। तो चलिए ब्रिज है, ये नया है, अभी ये स्टार्ट हुआ है, मेरे ख्याल से एक दो साल हुआ है, शायद एक साल हुआ है। हाँ, ऐसा ही लगता है, इससे ट्रैफिक भी और आसान हो गया है। शिटा मैंने ठीक हो गया ना, बादी है वो ठीक, बोलो वो फ्रेम दहेज़ है, तो मेरी पसंद। अभी हम लोग आ गए हैं एक रेस्टोरेंट के सामने, मिठास है इस रेस्टोरेंट का नाम। अभी हम लोग आए हैं जो रेस्टोरेंट में सुबह, वो है तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ मिठाई भी है, मतलब स्वीट्स और रसमलाई, गुलाब जामुन, मोती चूर के लड्डू और वैरायटी है, काजू कतली, सब इंडियन मिठाई यहाँ पे मिल रहा है। तो जॉय ने लिया था गोभी पराठा, बहुत अच्छा था, उसका टेस्ट शायद अच्छा है। अभी देखिए वो क्या बोल रहा है, टेस्ट कैसा है? अच्छा है। और हम लोगों ने लिया है यहाँ पे, लिया पूरी सब्जी लिया है। और दोपहर में हम लोगों ने बनाई खिचड़ी, आलू की भाजी और दाल का जो बड़ा होता है वो बनाया था। और एक्चुअली यही होता है हम लोगों के में, जो सप्तमी के दिन भोग खाते हैं हम लोग, तो वो लोग हम लोग मिस कर रहे थे, इसलिए मैंने यही बना लिया आज। तो अभी शाम का टाइम है तो हम लोग निकल पड़े हैं अभी शारजा के लिए। हमें खबर मिला है कि वहाँ पे दुर्गा पूजा हो रहा है, तो नेचुरली बहुत ही मन किया कि हम लोग वहाँ पे जाए और देखे कैसे हो रहा है दुर्गा पूजा। पहली बार हम लोग जा रहे थे मतलब बाहर, इंडिया से बाहर पूजा कैसे होता है वो देखने के लिए। तो चलिए आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कैसे हो रहा है पूजा वहाँ पे। हम लोग अभी आए हैं, जो यहाँ पे अभी दिख रहा है आपको वो एक कम्युनिटी हॉल है, वहाँ पे उन लोगों ने मतलब इसका एक अच्छा सा एक ये बनाया था, मतलब यहीं पे हो रहा है पूजा, कम्युनिटी हॉल है शारजा में, वहाँ पे हो रहा है ये पूजा। तो अभी हम लोगों को उन्होंने प्रसाद दिया, फल जो फ्रूट्स का प्रसाद है वो दिया है, हम लोग अभी यहाँ पे खा रहे हैं। अच्छा एम्बियंस था, अच्छा लग रहा था,
मतलब हम लोग जो बाहर रहते हैं दुर्गा पूजा को हम लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हैं अपने देश में जो होता है, स्पेशली कोलकाता में जो होता है वो बहुत मिस करते हैं। बट यहाँ पे आके अच्छा लग रहा था, अच्छा एम्बियंस था यहाँ पे। होप आप लोगों को अच्छा लगा। तो अभी आपने सुना ढाक बजा रहा था जॉय, तो ये ढाक जो इंस्ट्रूमेंट है वो हम लोग के लिए दुर्गा पूजा में एक अलग ही वाइब्स देता है, अलग ही इफेक्ट देता है, तो ये और किसी इंस्ट्रूमेंट में नहीं होता है। तो शायद आप लोगों को अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, और फिर एक और व्लॉग में डालूँगी आप लोग के लिए एक जगह की हम लोग गए थे उसी दिन। तो ओके, सी यू।